Hello, my dear students of class 4th. How are you and your family? I think that you all are fine. In this current situation, I request all of you to follow all necessary precautions like social distancing, sanitize your hand at regular basis. When you go outside, always wear a mask. Students, you are all really important for us. I want you to care for yourself. So stay home, stay safe. But in this situation, maintain your concentration on your studies. Today onwards, we are going to start chapter 1st in mathematics. Chapter 1st, large number, right? Badi sankhyaen. Abhi tak aapne 1 digit, 2 digit, 3 digit ki sankhyaen padhi thi. Lekin yahan pe hum kya karenge? 5 digit, 6 aur 7 digit ki sankhyaen padhenge, right? इससे पहले हम नंबर राइट कर लेते हैं और उन्हें देखते हैं राइट हैंड साइड से कैसे पढ़ा जाता है, क्या कहा जाता है, राइट? देखिए, मैंने एक नंबर राइट किया हुआ है 5946292688, राइट? 8 को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर पे उसे वंस, 6 को टेंस, फिर 2 को हंड्रेड, 9 को 1000, 2 को 10,000, 6 को लाख, 4 को 10 लाख, 9 को करोड़ और 5 को 10 करोड़, राइट? किसी भी लार्ज नंबर को पढ़ने के लिए हमें 1, 10, 100, 1000 को जानना जरूरी है कि किस नंबर पे किस संख्या को क्या कहा जाता है, राइट? अब हम बात करते हैं, अगर कहीं पे 10,000 लिखा है, आप देख सकते हो वंस फर्स्ट जीरो जो आपका है वो क्या है, वंस सेकंड जीरो, टेंस थर्ड, हंड्रेड फोर, आपका क्या हो जाएगा थाउजेंड, फाइव नंबर पे 10,000, तो आपका क्या हो गया 10,000 इज द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर. 10,000 जो आपका है वो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर है अगर देखा जाए, क्लियर? और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, तो आप क्या बोल सकते हो 10,000, 1 लिख के 40 आप लगा देते हो तो वो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर हो जाता है, क्लियर? इट इज कॉल्ड 10,000. एंड ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट की बात करते हैं तो हम 9 को क्या करते हैं 5 बार राइट कर देते हैं. ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट की बात करते हैं तो हम 9 को ही 6 टाइम राइट कर देते हैं. 7 ग्रेटेस्ट डिजिट पूछता है तो हम क्या करते हैं 9 को ही 7 टाइम राइट कर देते हैं, क्लियर? अब इसी अगर 5 डिजिट, 5 जो ग्रेटेस्ट डिजिट है इसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं अगर, राइट, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाता है एंड इट इज कॉल्ड 1 लाख, राइट? ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो आप 1 लिख के 20 राइट कर देंगे, क्लियर? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछता है तो आप 1 लिख के 30 राइट कर देंगे, ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया. और ग्रेटेस्ट की बात करता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, 99 को 3 टाइम राइट कर दोगे. ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर तो आप 99 को 9 बार राइट कर दोगे, क्लियर? यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर्स बियॉन्ड 10,000, मतलब 10,000 से आगे की संख्याएं हैं कैसे हम पढ़ेंगे, 10,000 से अगर
आगे के नंबर्स हैं तो उन्हें कैसे पढ़ सकते हैं। 10,000 तो मैंने आपको बताया, 1 लिखे 40, ये आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी है और 10,000 भी है। बट अगर 10,000 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10,001। 10,000 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10,005। क्लियर, ऐसे आगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर्स बियॉन्ड 1 लाख, से 1 लाख से आगे की संख्याएं, राइट। मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है अगर आपसे कोई कहता है 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, तो आप 1 राइट करके आगे 50 लगा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा और 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर, अगर आप 1 लाख में 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1,01,000। 1 लाख में अगर आप 20,000 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1,20,000। एस ऑन आगे आप देख सकते हो, राइट। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर दे दिया गया है, पहले ये नंबर क्या होते थे, आपसे पहले छोटे नंबर में पूछे आते थे, क्वेश्चन जो होते थे, जैसे 4 राइट कर दिया जाता तो आपसे पूछा जाता था नेक्स्ट 4 डिजिट आप राइट कर दीजिए, यानी नेक्स्ट 4 नंबर आप राइट कर दीजिए। तो 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट 4 नंबर हो गए, राइट। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बस क्या कर दिया, लार्ज नंबर में पूछ लिया है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई बहुत टफ नहीं है, क्या है, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है, नंबर क्या है वो, 4, 5, 6, 3, 2, इसको हम पढ़ सकते हैं 45,632। और आपको इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इसके दो चीज़ें हैं, 45,632 में प्लस 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा आपको। फिर उस नेक्स्ट नंबर में एक ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप 4, 5, 6 जितने नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं आप उसको राइट कर सकते हो। और एक डायरेक्ट वे में भी आप लिख सकते हो, अगर 45,632 है तो नेक्स्ट होगा 45,633। क्लियर, तो आपके नेक्स्ट 4 नंबर्स क्या होंगे, 45,633, नेक्स्ट होगा 45,634, नेक्स्ट 45,635 एंड नेक्स्ट 45,636। डायरेक्ट भी आप राइट कर सकते हो, 1-1 ऐड करके भी आप राइट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। क्लियर, इसको राइट करने के कई मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे दिया गया है, इस नंबर के बाद ये नंबर है, तो आपको बताना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है, और ऐसे करके आपको 4 नंबर राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 61,417। क्लियर, उसके बाद क्या दिया नेक्स्ट, 61,418। और नेक्स्ट 4 नंबर आपको राइट करना है। मैंने आपको बताया, या तो आप प्लस 1, पहले तो आप देखिए इन दोनों के बीच गैप है क्या, नहीं है। 61,417 नेक्स्ट 61,418, 1-1 ऐड करते चले गए हैं और हमारा नेक्स्ट नंबर हमें मिलता चला गया है। आपको मतलब बस ये देखना है कि पैटर्न दिया क्या है, कहीं पे 2 का गैप हो सकता है, कहीं पे 3 का गैप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1-1 का गैप ही है, गैप नहीं, वो भी 1 आप ऐड कर दोगे नेक्स्ट नंबर ही है। तो आपका 2 नंबर तो आपको दिए और नेक्स्ट 4 नंबर आपको राइट करने हैं, 61,417 एंड 61,418। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 61,419, नेक्स्ट 61,420, नेक्स्ट 61,421 एंड नेक्स्ट 61,422, राइट।
क्वेश्चन नंबर 8 इसी का आप देख सकते हैं, बी का 79,985, 79,986, यहाँ पे भी बस ऐड वन आप करते चले जाओगे, आपका पैटर्न इसी पे दिया गया है, ऐड वन करिए आप तो आपको आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 79,985 में हमने वन ऐड किया तो हमारा क्या हो गया 79,986, इसमें वन ऐड किया हमारा हो गया 79,987, इस संख्या में एक नंबर ऐड किया 79,988, इसमें फिर हमने वन ऐड किया हमारा क्या हो गया 79,989, एंड नेक्स्ट फिर हमने वन ऐड किया 79,990। आपको बता दीजिएगा नेक्स्ट फोर नंबर राइट करने हैं, नेक्स्ट थ्री, नेक्स्ट टू, जैसा भी दिया गया उस संख्या तक आपको राइट करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि सी, काउंटिंग बाई सिक्स राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन, यहाँ आपको दो नंबर दे दिए गए हैं, क्या दिया 46,521 एंड 46,550, इन दोनों नंबरों के बीच में हमें सिक्स नंबर तक की काउंटिंग करनी है, राइट। ये आपका जो फर्स्ट नंबर दिया गया है इस नंबर से 46,521, नेक्स्ट क्या हो जाएगा नंबर 46,522, ऐसे काउंट करते करते हमें सिक्स नंबर तक ले जाना है, राइट, सिक्स तक काउंट करना है, सिक्स नंबर पे जो संख्या आती है हमें उसे राइट कर देना है, और ऐसा हमें तब तक करना है इन दोनों के बीच तक जब तक वो संख्याएं आ सकती हैं, राइट। इसके दो पैटर्न हैं, एक तो आप अपने फिंगर पे या तो आप काउंट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिक्स दिया हुआ है, राइट, फिंगर में आप काउंट करके राइट कर सकते हो कि हमारा सिक्स नंबर तक अगर हम काउंट करते हैं तो कौन सी संख्या आती। दूसरी बात, जो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 46,521, इसमें प्लस सिक्स कर दीजिए, जब प्लस सिक्स करेंगे तो हमारी पहली संख्या क्या मिल जाएगी 46,527, इसमें प्लस सिक्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 46,533, प्लस इसमें सिक्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 46,539। ये भी ध्यान देना कि 46,550 से ज़्यादा नहीं राइट करना है हमें, नेक्स्ट ऐड करते हैं सिक्स तो हमारा क्या आ जाएगा 46,545, राइट। इसके आगे अगर हम ऐड करते हैं सिक्स तो हमारा क्या हो जाएगा 46,550 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें संख्या कितनी राइट करनी है जो इन दोनों के बीच में आती हूँ, क्लियर। या तो आप फिंगर से काउंट कर सकते हैं, या आपसे अगर सिक्स पूछा है तो प्लस सिक्स कर दीजिए, सेवन पूछा है तो प्लस सेवन कर दीजिए, आप राइट करते चले जाइए, नो प्रॉब्लम, जो भी नंबर मिले उसमें फिर अगले में सिक्स ऐड करिए, फिर नेक्स्ट में सिक्स ऐड करिए, नंबर आप राइट कर लो। सेकेंड आपका है 57,686 एंड 57,716, राइट, इसमें भी आपको सिक्स ऐड करते चले जाइए, आपको अपने नंबर मिलते चले जाएंगे। जैसे हमने 57,686 में सिक्स ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा 57,692। अब 57,692 में हमने सिक्स ऐड किया तो कितना आ गया 57,696, क्लियर। इसमें सिक्स ऐड किया तो हमें मिल गया 57,704, और इसमें सिक्स ऐड किया तो क्या हुआ 57,710। अगर नेक्स्ट हम सिक्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा सेम यही नंबर मिल जाएगा, और इसके आगे ये राइट ही है और इसके आगे हमें नहीं राइट करना है क्योंकि हमें दे दिया गया है बिटवीन, मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में राइट करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, मैंने आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों बताए हैं, फोर डिजिट की बात की है तो वन लिख के आप 30 राइट कर लोगे, आपका स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, ग्रेटेस्ट की जब भी बात आती है, फाइव डिजिट आती है तो आप 5×9 राइट कर सकते हैं, 4 यही पूछता तो आप 9 को 4 राइट कर देते, ये आपकी क्या हो जाती है ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट,
वन राइट करके उसके आगे 60 आप राइट कर दीजिए, आपको स्मॉलेस्ट 7 नंबर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 ग्रेटेस्ट की बात कर दी है तो 9 को आप 6 टाइम राइट कर दीजिए क्योंकि 6 की पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग बाई 20 राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन। अभी तक वहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे 6, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है 20। नंबर हमें क्या दिया गया 38,700 एंड 38,800, इन दोनों के बीच में हमें 20 नंबर तक काउंट करके जितनी भी संख्याएं आती हैं वो राइट कर देना है। तो मैंने यहाँ देखिए सेकंड मेथड आपको बता दिया है राइट करके भी। 38,700 में अगर आप 20 ऐड करते हो तो हमारा क्या आएगा 38,720 राइट। अब 38,720 में 20 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 38,740। नेक्स्ट इसमें अगर आप 38,740 में 20 ऐड करोगे तो क्या आएगा 38,760 राइट। फिर हमें 38,760 में अगर 20 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 38,780। और हमें ये भी देखना है कि 38,800 से ज़्यादा ना हो। अब 38,780 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 38,800 राइट। तो यानी कि हम देख सकते हैं 38,700 और 38,800 के बीच में हमें 4 नंबर्स मिले हैं राइट। इन 4 नंबर्स को हम राइट कर देते हैं 38,720, 38,740, 38,760 एंड 38,780 राइट। सो फ्रेंड्स आपकी होल एक्सरसाइज इसी पैटर्न पे डिपेंड करती है। तो आई थिंक दैट अब जो क्वेश्चन है वो आप सेल्फ ट्राई करिएगा, उसको सेल्फ राइट करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विथ मी, आई एम ऑलवेज विथ यू, यानी कि आई ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।